जी वंदे मातरम के बारे में आप कुछ कह रहे थे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी ने जब वो आनंद मठ किताब लिखी और जो वो गाना आया, तो उसके बाद वंदे मातरम पहली बार देश को मां मानने का भाव तो हमेशा से था, लेकिन गीतों में इसका जिक्र एक अनिवार्य बन गया और अंग्रेज डर गए इस फितरत से कि हिंदुस्तानी अपने देश को मां मानते हैं। तो कहीं भी वंदे मातरम आया, उस गाने को बैन किया। तो इसमें मुक्ति गाथा में हमने ये जो वंदे मातरम का प्रयोग किया है, ये 1942 में मेरठ जेल में पाया गया, एक गुप्ता जी थे जिन्होंने इसको रचा था। और ये सारे गाने प्रकाश में 65-68 में आए, आजादी मिलने के बहुत बाद। उसके शब्द इतने खूबसूरत हैं, शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, यह मंत्र वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, यह मंत्र वंदे मातरम। विश्व विजयी शत्रु विजयी मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंत्र यह है, तंत्र यह है, यंत्र वंदे मातरम, यह यंत्र वंदे मातरम। ओजमय बल कांति मय सुख शांति वंदे मातरम, सुख शांति वंदे मातरम। नाड़ियों के रक्त में बहता है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और हमारे जो जेल में कैदी थे क्रांतिकारी, उनके मन में क्या भाव था? जेल में हो तो जपो यह मंत्र वंदे मातरम, यह मंत्र वंदे मातरम। बेड़ियों ही को बजा कर गाओ वंदे क्या मातरम, बात है, तुम वाह। गाओ वंदे मातरम। बोल दो सब आज वीरो मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम।